हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम दंतेवाड़ा जाने का प्लान कर रहे हैं। आज हमारा रेस्ट था, वो बुधवार का हमारा वीकली रेस्ट होता है। तो आज हमको मार्केटिंग कुछ करना है, हमारी बाइक की सर्विसिंग भी करवानी है और कुछ पूजा का सामान लेना है। दंतेश्वरी मंदिर भी कुछ जाने का प्लान है हमारा। तो आज देखते हैं क्या क्या कुछ होने वाला है। और सुबह का अभी 9 बज रहा है। इधर मौसम देखिए, अभी तो थोड़ा सा आज का मौसम थोड़ा सा ठीक है, बाकी इतना बहुत गर्मी इधर पड़ती है, बहुत ज़्यादा तो धूप हो जाता है, जिसके लिए हमको सवेरे निकलना पड़ता है इधर ही। तो सवेरे आज निकले हैं और नाश्ता वगैरह तो किए नहीं है, उधर मार्केट में ही करने का प्लान है। आपको हम अपना इंटरेस्टिंग चीज़ एक बताते हैं। ये दो दिन पहले की बात है, यहाँ पे हम अपने रूम में थे, बेडरूम बैठे हुए, दिन का समय था तो ये खुला रहता है। तो एक गाय इस रूम में घुस गई थी, यहाँ अंदर तक चली गई थी, शायद वो पानी की तलाश में थी। और फिर वो उस अंदर चली गई, उधर रास्ता बंद था, तो फिर उसको बाहर हम भगा है। इतनी गाय यहाँ की इतनी बदमाश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कुछ दिन पहले ये देखिए हमारा बैग का, ये देखिए पूरा चबा गया था। हम स्टेशन पे थे, बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे, पूरा चबा के आधा कर दिया, छोटा कर दिया। तो बहुत बदमाश क्या होती है इधर की। और हम बाइक सर्विसिंग करवाने का प्लान कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम आए थे तो ये देखिए बाइक का मेरा 2 बार एक्सीडेंट अभी तक हुआ है। ये देखिए आपको स्क्रैच यहाँ दिख रहा होगा यहाँ, और ये देखिए हेडलाइट इसका ढील रहा है। ये देखिए इसका भी कंडीशन ख़राब है, दोनों अभी मिरर इसका खराब चल रहा है। तो यही सर्विसिंग कराना है। 3000 किलोमीटर लगभग अभी चल चुका है। और शुरू शुरू में जब आए थे तो मुझे बाइक चलाने नहीं आता था, और ये रियली है कि मुझे बाइक चलाने नहीं आता था। 2 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, थोड़ा छोटा बड़ा हुआ, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही मेरे साथ ये भी थी, सुख दुख का साथी हमारी, ये भी मेरे साथ गिरी। इसका भी मेरा तो ये कंधा वगैरह हाथ सब छिल गया था, इसका भी घुटना वगैरह छिल गया था। खैर ठीक हो गया कुछ दिन बाद। उसके बाद एक बार थोड़ा सा गिरे थे, तो 2 बार के बाद फिर दोबारा एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं। अब ठीक है, गाड़ी चलाने आ गया, सब कुछ अच्छे है, कोई दिक्कत होता नहीं है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आपने टेस्ट बुक का नाम सुना ही होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि रेलवे JEE, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ALP। इसके बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं वहाँ पे। आप चाहे तो वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड VR10 यूज करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए टेस्ट बुक का पास लेते हैं तो आपको 299 में 30 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप 2 साल के लिए टेस्ट बुक का पास लेते हैं तो आपको 499 में 50 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मेरा कूपन कोड VR10 यूज करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मैडम रेडी है मार्केट चलने के लिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चढ़ाए थे हेल्प करने में, चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे हेल्प करते रहे एक दूसरे की, तो उनको अकेला मुश्किल हो रहा था चढ़ने का, आजा तो हेल्प करना जरूरी था। तो चलिए आइए देखते हैं और क्या क्या होता है। A
A few moments later. देखिए ये रास्ते में जब जा रहे थे कितना आम गिरा हुआ है, ये देखिए हम उसको चुन चुन के जमा कर रहे हैं, हमारी मिसेज भी देखिए जमा कर रही है। अच्छा आम है ये, जंगली आम इधर कैसे कोई खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा देखिए आम गिरा हुआ है इधर, ये इतना सारा आम हमारी मिसेज को इसको लेकर रख लेते हैं बैग में, इसे भी सिर्फ गिरा हुआ है, कोई लेने वाला इधर है नहीं। ये देखिए आम लगभग हमको लगता है 2 किलो से कम नहीं होगा, बहुत सारा आम है, इतना ज़्यादा आम अकेले हम लोग नहीं खा पाएंगे, तो आप लोग भी आके खा लीजिए उनको। A few moments later. दोस्तों यही हमारा गीदम का बस स्टैंड है, अगर आपको यहाँ आना होगा तो गीदम दंतेवाड़ा से पीछे पड़ता है, वहाँ पास ही दंतेवाड़ा को घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है ये बस स्टैंड है। अभी भूख लग गया है तो हम थोड़ा भी समोसा खाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसे पूछेंगे क्या खाइए, समोसा पिज्ज़ा भी खाने का इसका प्लान था, तो हम पूछे क्या खाएंगे तो बोले नहीं समोसा पहले खाएंगे बाद में पिज्ज़ा खाएंगे, तो पिज्ज़ा के लिए ऑर्डर दे दिए, वो बन रहा है फिलहाल समोसा खाएंगे। दोस्तों हमारा समोसा रेडी है, इसे आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी समोसा इधर बनाता है, अच्छा लगता है। अच्छा तुम समोसा तो खा ली, तो कुछ नहीं खाएगी, देखिए यही पिज्ज़ा खाने का प्लान में है आज, लगता है खर्चा कुछ ज़्यादा ही होने वाला है, समोसा इसको खाना अच्छा लगता है, हम तो उतना ज़्यादा नहीं खाते ही सब, यही ज़्यादा खाते हैं क्या है, बहुत टेस्टी है। A few moments later. तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा, ये हम बाइक का शोरूम है, तो हम बाइक लगा दिए हैं सर्विसिंग के लिए, 1.5 घंटा का समय लगेगा, तो फिलहाल हम आते हैं मार्केट से कुछ दंतेश्वरी मंदिर घूम के, चलिए आपको दिखाते हैं। A few moments later. चलिए हम दंतेश्वरी मंदिर पहुंच गए हैं, आइए अंदर लेके चलते हैं आपको। बहुत इंतजार के बाद ऑटो मिला है, हार्डली 1 किलोमीटर हो दूरी होगा, हम लोग आए ऑटो से तो लगभग 40 रुपये लिया है भाड़ा, सोचिए कितना कॉस्टली इधर ऑटो का भाड़ा बढ़ा कर रखा है, ये लोग लूट मचा कर रखा हुआ है। और इस दंतेश्वरी मंदिर का हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो वैलेंटाइन डे के दिन हम आए थे घूमने, उसका वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, पूरा फूल घूमे हैं दंतेश्वरी मंदिर, तो आपको दिखा देंगे इस वीडियो में हम। फिलहाल इसमें कुछ सामान वगैरह खरीद लेते हैं अंदर जाके, बहुत खूबसूरत है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अंदर में इस मंदिर की खास बात कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, एक ब्लॉग का वीडियो ऑलरेडी में बना हुआ है और आगे भी है, ये देखिए एकदम 3D में बना हुआ है, लगता है कि साक्षात विष्णु जी यहीं पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी, ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा है बना हुआ इधर, और जस्ट इसके बगल में ये बहुत बड़े हनुमान जी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा है, बहुत कुछ इसके अंदर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल हम मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ दुकान कुछ खुला हुआ है, देखिए पूजा का सामान सब बहुत ज़्यादा इधर है, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे दुकान बंद भी हैं, बहुत सारे गरीब लोगों को नुकसान हुआ है इसमें दुकान बंद के कारण, फिलहाल कुछ खुला हुआ है, अभी लॉकडाउन चल रहा है इस कारण से, लॉकडाउन तो फिलहाल खुल गया है लेकिन कोरोना के लेकर थोड़ा सा अभी मंदी है मार्केट में, तो हम लोग जो पूजा का सामान लेने आए थे वो फिलहाल मिल गया है, एक लकड़ी का इसको सुंगारा लेना था, तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है इधर, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेना इधर, जल्दी मिलता नहीं रहता है सामान सब, तो वो मिल गया है। और दंतेश्वरी मंदिर के पीछे बजरंग बली है, और चलते हैं कुछ खाते पीते हैं उधर, भूख लग रहा है, और कुछ दोस्त लोग कमेंट करते हैं कि भैया जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए डेली डालिए, तो डेली बनाना थोड़ा संभव नहीं होता है, वो ड्यूटी के दौरान थोड़ा सा काम भी अपना होता है, अपना कुछ पर्सनल वर्क भी होता है, तो उसको बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको एडिट वगैरह करते हैं, और सबसे ज़्यादा कारण होता है नेटवर्क का प्रॉब्लम, हम एडिट भी कर लेते हैं, मान लीजिए सुबह हम एडिट कर लिए तो हम मार्केट बाहर जा नहीं पाते, तो उसको शाम में हमको अपलोड करना पड़ता है, या मॉर्निंग में जाते हैं ड्यूटी में तो उधर मॉर्निंग में उधर जाते हैं सेक्शन की तरफ तब जाकर अपलोड करते हैं, या फिर अगर मार्केट आते हैं तो उसको अपलोड करना पड़ता है, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम जब भी बनाते तुरंत बनाते और तुरंत उसको डाल देते अपलोड कर देते, लेकिन ये नेटवर्क के कारण थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, और नेटवर्क का काम अभी चल रहा है, उम्मीद है कि 1-2 महीने में नेटवर्क कंप्लीट हो जाए। ये इधर पार्किंग का व्यवस्था वगैरह किया गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा बाइक पार्किंग वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अब मंदिर से बाहर निकलते हैं,
A few moments later. और जस्ट मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट साइड में ये पार्क मिल जाता है, अंदर में वो तालाब भी है और तालाब में बोटिंग भी कर सकते हैं। तालाब के बीच में एक पेड़ लगा हुआ है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत पार्क है और रात को इसमें घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो बहुत लाइटिंग भी किया गया है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। हम तो फिलहाल अभी नहीं घूमे, अभी जब घूमेंगे तो आपको दिखाएंगे, आप लोग भी आके इधर घूम सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, तो यहाँ के निवासियों का क्या क्या धरोहर सब आपको दिख रहा है फोटो में, देखिए। और क्या क्या घूमने का जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ये आके घूम सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको मिलेगी और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पानी के अंदर में नौका विहार भी आप कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें पानी के अंदर पीपल का पेड़ है, कुछ थोड़ा बहुत मूर्ति वगैरह मंदिर वगैरह हो रहा है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये हाट बाजार जो लगता है ये दिख रहा होगा, ये हमारे गिदम में भी लगता है, तो ये जब लगेगा तो आपको हम दिखाएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो चुका है, बहुत खूबसूरत बाजार लगता है, उन्होंने की चीज़ें मिलती हैं उधर। ये सब देखिए बहुत अच्छा है। इसमें जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये देखिए आपको अंदर लिखा हुआ मिलेगा, आई लव दंतेवाड़ा। तो देखिए बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग वगैरह भी लग रहा था इसमें। ये अंदर का जगह है और ये देखिए ये यही है पहाड़ का सबसे मेन गेट, आपको जस्ट बस स्टैंड के सामने है। इतना खूबसूरत है ये रात को खुलता है, ये मेन गेट है। ये देखिए अगर अंदर जैसे आप आते हैं तो आपको ये ऐसा मिलता है, ये देखिए आमचो दंतेवाड़ा। ये खजूर वगैरह सर आपको मिल जाएगा सस्ते में, फ्री में खाने के लिए, अभी बहुत सारे इसमें हैं। तो अभी हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी इधर। ये देखिए हमारे मिसेज है, इसका कुछ बोलने का मूड नहीं है, हम उस समय से 1.5 घंटा से पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि बाइक सर्विसिंग में रख दी है तो पैदल ही घूमना पड़ रहा है। अभी फिलहाल नारियल पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा कुछ राहत मिलेगा। और आपको एक चीज़ पता है, जब हमारे नारियल पानी अगर ख़त्म हो गया तो हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं ढूंढने की पाइप को इधर उधर घुमा फिर आके कि कहीं से पानी कुछ बचा होगा तो वो निकल जाएगा। कभी कभी पीते हुए अचानक पानी खत्म हो जाता है, तो लगता है इतना जल्दी पानी खत्म हो गया, कभी कभी ज़्यादा पानी होता है जल्दी खत्म नहीं होता है। तो देखिए कैसे सुरसुर कर रही है जो कि पानी से ख़त्म हो गया है। खैर मज़ा आता है ये सब करने में, थोड़ी बहुत मछुआरा करना चाहिए, लाइफ एंजॉय करते रहना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा बाइक का सर्विसिंग हो गया है, धोआ गया है, पानी से धो दिया गया है, बहुत लेट कराया। तो वो हम 10:30 बजे से दिए थे अंदर में, अभी 2 बज गया है, फिर चलते हैं आगे गिदम मार्केट करते हैं। तो A few moments later. दोस्तों ये सब्जी मार्केट है, इसमें आपको छोटा मोटा सब्जी मिल जाएगा, वो डेली बाई डेली इसमें लगता है मार्केट, और बुधवार को बड़ा मार्केट लगता है, और ये बुधवार को हमेशा लगता है, और संडे को आपको बहुत बड़ा मार्केट उधर लगता है, वो फिलहाल अभी बंद है। हमारा मार्केटिंग का काम सब हो गया है, हम घर की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारा कुछ ज़्यादा ही सामान तो हो गया है, इससे भी कुछ सामान आपको दिख रहा होगा, ये झोला वगैरह हमें, तो घर पे चल के दिखाते हैं क्या क्या लिए हैं। घर आ गए हैं मार्केट से, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मार्केट में, 4 बज गया लगभग आने में, और कुछ ज़्यादा ही सामान सब था खड़ा था, वो कुछ काम था इस कारण से ज़्यादा लेट हो गया। क्योंकि सामान इधर ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामान एक जगह नहीं मिलता है, आपको अलग 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 जाकर ढूंढना पड़ता है। ज़्यादा सामान से नहीं है, देखिए कुछ राशन का सामान लिए है, इसके अलावा ये नारियल पानी पी रहे थे तो नारियल निकलवा लिए थे उसमें से, ये इसका पूजा का सामान है कुछ, ये दूध है इधर, ब्रेड है, बाकी वो आम है, बाकी इसमें ये सब्जी वगैरह है, और इधर कुछ मटन लिए हैं, मटन पुलाव खाने का मन था। अभी फिलहाल पिज्जा भी एक लिए है तो उसको खाते हैं। ये देखिए
ठीक है, आप लोग भी खा लीजिए। ठीक है, फिर पिज्जा खा लेते हैं, फिर मटन बनाने का प्लान है, बनेगा, फिर मिलते हैं। Hours later. और दोस्तों इतनी गर्मी यहाँ लगती है, बाहर तो मौसम ठीक है, ठंडा है, घूमने इतनी गर्मी है कि मत पूछिए। और ये रूम तक तरह से बंद है, ये किचन में खाना बना रही थी, पूरा से पसीना इसका पूरा भींग गया था पानी से। और सोचे कि किचन में इसके लिए एसी लगवा दे किचन में एसी लगाना लगता है जरूरी है खैर मजाक कर रहे थे, एसी नहीं लगवाएंगे, वो तो बहुत गर्मी ज़्यादा लगता है। और अब खाने का टाइम हो गया, बहुत भूख लगा हुआ है, तो खा लेते हैं, सबको दिखाते हैं खाना में क्या क्या बना है। तो दोस्तों खाना में हमारा ये खाना रेडी है, ये पुलाव, और इधर ये हमारा मटन है, इसके साथ में ये सलाद है, ये सलाद को थोड़ा सजा दिए अच्छा लगने के लिए, बाकी इसको मिक्स करके तो फिर खाना ही है वो आप लोग को अच्छा लगे इसलिए हमेशा लगा दिए है दोस्तों आप लोग जाके खा लीजिए। तो दोस्तों और इसको खाना बनाने का काफ़ी शौक है, और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, हर एक चीज़ बना चुकी है, KFC से लेकर ये मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी सब कुछ बना लेती है, नॉनवेज वेज। और ये नॉनवेज जिसको अच्छा नहीं लगता है उसके लिए हम सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है तो आप लोग घर में थोड़ा अलर्ट रहें, सेफ रहें, आप अगर सेफ रहेंगे तो इंडिया सेफ रहेगा, इसलिए खुद को सेफ रखें। दोस्तों कल हम मार्केट गए थे तो कल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, तो इसके कारण से हम कुछ और सामान नहीं ले पाए, तो आज फिर हम मार्केट गए थे, तो मार्केट स्पेशल हम वो वीडियो अपलोड करने के लिए गए थे क्योंकि वहाँ नेटवर्क स्पीड काफ़ी अच्छा देता है और घर पे नेटवर्क रहता नहीं रूम में, तो हम यहाँ अपलोड नहीं कर पाए उसको। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाभी जी को आप खिलाते नहीं हैं, दोस्त खाने पीने का कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है बट ये खाती नहीं है, अभी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम इसका चल रहा है, पहले इसका हेल्थ ठीक था अभी थोड़ा कुछ खराब हो गया है। और ज़्यादा सामान ले आते हैं, अभी भी देखिए ये समोसा खा रही है, ये देखिए आप लोग बोलते हैं, देखिए ये अनार इधर है, ये सेब है आपको दिख रहा होगा, और एक और कुछ अच्छा ये कुछ नया चीज़ हमको आज मिला है, ये हम कभी खाए नहीं थे, ये देखिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं। हमको तो जब हम स्टार्टिंग में देखे तो हमको लगा कि ये चेरी है, लेकिन ये चेरी नहीं है, दुकान वाले से पूछे तो बताया कि आलू बुखारा है, अब इसको थोड़ा गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि क्या है ये। और इधर देखिए जामुन है, इधर आम भी है, जो कल आम मिला था हमको वही आम है, और इधर देखिए कुरकुरे वगैरह भी रखा हुआ है। क्या है कि ज़्यादा फ्रूट्स ले आते हैं तो वो ख़राब होने लगता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लाते हैं, फिर भी हम थोड़ा खाते होते हैं तो हम ले आते हैं, और ये ज़्यादा नहीं खाती है, ये थोड़ा सा ही खाती है इसको सिर्फ फास्ट फूड पसंद है, ये ज़्यादा नहीं खाती है, एक सेब देंगे तो आधा सेब खाएगी, संतरा देंगे तो दो तीन फल उसका तोड़ खाएगी, अनार देंगे तो थोड़ा सा खाएगी। ठीक, वो वीडियो हम इंटरव्यू का अपलोड कर दिए हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ हमारी जर्नी देख सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारा ये क्वार्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।